हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे हैं आप लोग? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो सेगमेंट में, आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज़ इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। ये बैक्टीरिया का है, मैं वायरस का भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक वीडियो, तो आप जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ इन्हीं को रट लें, ठीक है। इसमें जो जीवाणुओं के नाम हैं, जो हमारे वैज्ञानिक नाम होते हैं, वो तो शायद नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, इसको मत पढ़ना आप लोग, ठीक है। ये काफ़ी इसको मत पढ़ना, लेकिन इससे आता है बीमारी और प्लस प्रभावित अंग, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के लिए। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले मानव रोग, ह्यूमन डिसीज ड्यू टू बैक्टीरिया, तो इसमें बीमारी है हमारे टिटनेस। मैं पहले बीमारियों के नाम बता दूं आपको, टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, खाली खांसी है, निमोनिया है, ठीक है, या कोल्ड है, और गोनोरिया है, और सिफिलिसिस है। तो ये सारे के सारे हमारे बैक्टीरिया से होने वाले हैं, और इनसे प्रभावित अंग आप लोगों को दिख रहा है, टिटनेस से, तंत्रिका तंत्र, हैजा से आंतें, और टाइफाइड से भी आंत होती है हमारी, और क्षय रोग जो होता है वो फेफड़ों को, जैसे खांसी वगैरह बोलते हैं, और श्वास नली को डिप्थीरिया, फ्लैग जो होता है फेफड़ा कारफ दोनों पैरों के बीच में होता है फ्लैग, और श्वसन तंत्र, जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो प्लेग के कारण ही हमारा पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसे 1885 में पहली बार तेज प्रवास संस्कृत महाविद्यालय में बम्बई में आयोजित किया गया था, जबकि वो पहले नागपुर में होना था। वो प्लेग बीमारी फैली थी, तो उसकी वजह से ये वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इसको ऐसे याद रखते हैं प्लेग को। और काली खांसी स्वतंत्र तंत्र को, निमोनिया जो है फेफड़े को करता है, और कोल तंत्रिका तंत्र व त्वचा जो स्किन होती है उसको भी करता है, ठीक है। और साथ में गनोरिया जो है मूत्र मार्ग को काफ़ी प्रभावित करता है, और शीशन यानी सिफिलिसिस जो होता है वो इसको करता है। अब इनको याद करने का एक मैं तरीका बताऊं, बैक्टीरिया ज़्यादातर जहाँ नमी होगी वो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, जो पानी या लिक्विड की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है वो सारे रोग बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। जैसे हैजा है और टाइफाइड है, ये सारे कहीं ना कहीं नमी की वजह से पनपते हैं, जबकि जो और रोग हैं वो वायरल जो वायरस होते हैं वो इतना नहीं, लेकिन बैक्टीरिया जीवाणु जो होता है वो नमी के वजह से ही एक्टिव होता है। तो इनको सारे को आप एक शॉर्ट तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोल्ड है तो उसमें पानी की जो शरीर है गलता है पानी की वजह से, निमोनिया है, ठीक है, काली खांसी है, तो ये सब मलगम वगैरह जो कफ है काफ़ी बाहर निकलती है, ये सारे रोग उसी से हैं, यानी जहाँ नमी होगी वहाँ ये बीमारियाँ ज़्यादा पनपेंगी बॉडी से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।